कबीरा कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। घृणा को घृणा से नहीं कम किया जा सकता, घृणा को घृणा से कम नहीं किया जा सकता, वहां प्रेम का प्रवाह चाहिए। प्रेम का स्थान किसने ले लिया? अहंकार ने ले लिया। अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। यह तो घर है प्रेम का, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीश उतारे भूई धरे, तब बैठो घर माही, तब बैठो घर मा। कितने प्रकार का अभिमान रहता है? एक प्रकार का, धन का, जाति का, विद्या का, रूप का, सौंदर्य का, पता नहीं कितने प्रकार का अहंकार जो है वो बिल्कुल भरा रहता है। जहां अहंकार है वहां जीवन की सहजता नहीं है, सरलता नहीं है, स्वाभाविकता नहीं है, वास्तविकता नहीं है, वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि वहां अंधकार है और वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं है। तो कामनाओं की पूर्ति होते रहने से राग बढ़ रहा है और कामनाएं बढ़ रही है। यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, स्वाहा बोल रहे हैं, घी की आहुति अग्नि में डाल रहे, अग्नि की ज्वाला और प्रज्वलित हो रही। कामनाओं की प्राप्ति में अवरोध हुआ तो कैसे दुख उत्पन्न हो रहा है, क्रोध उत्पन्न हो जा रहा है, क्योंकि कर्म में ही आसक्ति थी, कर्म में ही आसक्ति थी। बीज ही ऐसा है तो वृक्ष कैसा हो, आसक्ति थी। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता में योगीराज कहते, युद्ध की भूमि में दिया गया यह ज्ञान, भारत इसलिए भी विश्व गुरु है, जब दो सेनाएं एक दूसरे से युद्ध के लिए तत्पर हो, ऐसी स्थिति में यहां ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया जाता है, मन की शांति का उपदेश किया जाता है। अगर युद्ध की भूमि में योगीराज के द्वारा यह उपदेश न किया गया होता तो ये एक सामान्य युद्ध होकर रह जाता, दो भाइयों का, मेरा तेरा तुम्हारा इसका उसका, नहीं दूंगा ले लूंगा, कोर्ट में देखूंगा। जो युद्ध था, जो युद्ध है, जो चलता रहेगा, एक सामान्य युद्ध बनकर रह जाता। अगर युद्ध के मैदान में, अगर युद्ध के मैदान में योगीराज के द्वारा यह विमल उपदेश न दिया गया होता तो एक समान युद्ध बनकर रह जाता। चेतना के किस शिखर पर स्थित होकर योगीराज ने इस ज्ञान की अनंत धारा को बहाया है। महापुरुष सहज कल्याण करते हैं, सबके कल्याण के लिए वो प्रकट होते हैं। बाहर का अंधेरा सूर्य दूर कर देता है, बाहर का अंधेरा सूर्य के प्रकाश से बाहर की सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं।
रात कितनी भी काली हो, प्रातः सूर्य की किरणें रात्रि की कालिमा को क्षण मात्र में नष्ट कर देती। यह सूर्य बाहर का अंधेरा दूर करता है। जो महापुरुष होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, मनुष्य के मन में जो अंधेरा है उसको दूर करते हैं, उसको दूर करते हैं। बाहर के हजारों सूर्य मनुष्य के मन के अंधेरे को दूर नहीं कर सकते। हजारों हजार सूर्य भीतर के अंधेरे को नष्ट नहीं कर सकते। भीतर का जो अंधेरा है वह तो आध्यात्मिक सूर्य नष्ट करता है। महाजनो ये न गतः सपन्था, कहां कहां मार्ग देखा है, न इधर का न उधर का। जिसने देखा उस परम सत्य का साक्षात किया, उसी पथ पर अपने जीवन को गतिमान बनाना, भारतीय संस्कृति की मूल परंपराओं में स्थित हो जाना, वेदों के पथ पर चलना, उपनिषदों के पथ पर, साहेब के पथ पर, स्वरवेद के पथ पर, सेवा सत्संग और साधना यज्ञ के पथ पर जो चल पड़ता है अपने जीवन के लक्ष्य को सिद्ध कर लेता है, अपने जीवन के लक्ष्य को सिद्ध कर लेता है। तो संकल्प ले लिया तो ले लिया, चल पड़ा तो चल पड़ा। यह पथ ही आनंद का है, शांति का है यह पथ, सहजता का यह पथ है। पावन जन्म जयंती की यह पावन छटा है। सदगुरुदेव को साहेब की भी वाणियां बड़ी प्रिय थी। स्वरवेद का सृजन किया अपने आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर। साहेब की साहेबी को वास्तविक रूप से प्रकट किया। एक तरफ जहां वेदों के मंत्र हैं, स्वरवेद की बहती अनंत ज्ञान की धारा है, तो साहेब की साहेबी है। यहां कोई विरोध नहीं है, जो सत्य है वो सत्य है। महापुरुषों का जो अनुभव है वो अनुभव है, और हमारे देश की ऋषि परंपरा ने जो सहज रूप से प्रकट किया है। एक तरफ जहां वेदों के मंत्र गूंजते हैं, वैदिक युग ही जीवन तो उठता है मंत्रोच्चारण से, सूक्ष्म तरंगे वातावरण स्पंदित होती है। ऋषियों का अनुभव इन मंत्रों में सहज प्रकट है। स्वरवेद के स्वर स्वर में समाधि जन्य अनुभव है। साक्षात कृत धर्मा ऋषि की वाणी है, ब्रह्मवाणी है। उसी प्रकार साहेब की साहबी है। एक एक शब्द जैसे अंधेरे को दूर करने वाला शब्द ब्रह्म, हमारे अज्ञान को नष्ट करने वाला। महापुरुषों का बताया वह रास्ता ही कल्याणकारी है, वही पथ है जिस पर वो चले हैं और चलकर अनंत का अनुभव किया है। कैसी दिव्य स्थिति है साधक की, उसकी चेतना का कितना दिव्य विकास हुआ है। कोई मनोविकार उसे छू नहीं सकता। शरीर में रहते हुए कैसे भिन्न है इससे। संसार में है और संसार उसमें नहीं है, दुनिया में है उसके अंदर दुनिया नहीं है, घर में है परिवार में है, भिन्न है इससे कैसे।
प्रत्येक कर्म जैसे उसका धर्म हो, प्रत्येक कर्म जैसे उसकी पूजा हो, शयन उसका दंडवत हो प्रभु को। हर क्षण हर पल कैसे उसमें स्थित है वो, चेतना का ऐसा विकास, अनंत आनंद का ही अनुभव है, सहज अनुभव है। जहां कोई दुख नहीं, दर्द नहीं, जहां काल नहीं, ऐसा दिव्य अनुभव है। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। सद्गुरुदेव की पावन जन्म जयंती के अवसर पर हम पुनः संकल्पवान हो रहे हैं, बारंबार अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। हम सब का संकल्प महल सर्वेद महामंदिर निर्माण, हम सब का संकल्प महल सर्वेद महामंदिर निर्माण, हम सब का संकल्प महल सर्वेद महामंदिर निर्माण। जो कल्याणकारी है वह संकल्प गूंजता रहे। सर्वेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है शुद्ध अंतःकरण का निर्माण, दिव्य मानव निर्माण, प्रेम शांति मैत्री करुणा का निर्माण, भारतीय संस्कृति की सनातन वैदिक परंपराओं का पुनर्निर्माण। श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति, सद्गुरुदेव की पावन जन्म जयंती के पावन अवसर पर सद्गुरु सत्ता के चरणों में बारंबार हम सब नमन करते हैं। स्वर्वेद को जन जन तक ले जाने का संकल्प लेते हैं। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, जहां अभी अंधेरा है, जहां अभी अंधेरा है। स्वर्वेद की स्थापना ऋषित्व की स्थापना है, घर घर तक, जन जन तक, मन मन तक सद्गुरुदेव का यह स्वरवेद पहुंचे, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है। और हम अपने कर्तव्य और दायित्व के बोध से सदैव जागृत रहे, धर्म मतलब जागते रहना, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रखना। स्वरवेद के प्रचार से शिष्य का जीवन सार्थक होता है। शिष्य जीवन की सार्थकता स्वरवेद के प्रचार से है, स्वरवेद महामंदिर निर्माण के संकल्प से है, यज्ञ की अग्नि से है, विहंगम योग की साधना से है, विहंगम योग की साधना से है। जन जन तक यह स्वर पहुंचे, यह संदेश पहुंचे। स्वरवेद महामंदिर का शंखनाद हो। आप सबों के सहयोग से, संपूर्ण संत समाज के सहयोग से स्वरवेद महामंदिर सजता समरता निखरता जा रहा है। गुलाबी सैंड स्टोन से निखरता जा रहा है, बाहर से भव्य और भीतर से दिव्य बनता जा रहा है। ये भव्य भी है और भव्य ही नहीं, दिव्य भी है। आप सबों के सहयोग से, संपूर्ण संत समाज के सहयोग से, अनेक नए जिज्ञासुओं की सेवा भावना से यह गुरुतर कार्य, ईश्वरी कार्य गतिमान है, पूर्णता की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसी पावन परिसर में अपने परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान की, जिनकी पावन जन्म जयंती हम सब मना रहे हैं, 120 फीट से भी ऊंची प्रतिमा
हम सबों को यहाँ स्थापित करनी है, यहाँ स्थापित करनी है। स्वर्गेत महामंदिर की ऊंचाइयों वाली यह दिव्य भव्य प्रतिमा सदगुरुदेव की, जैसे हमारे अंतःकरण को ही शुद्ध करने वाली है। गुरु मूरति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे गुरु मूरति की ओर। जो कल्याणकारी है उस पथ पर हम सब निरंतर गतिमान रहे, दिए से दिया जलाते रहे, जन जन तक स्वरवेद का स्वर गुंजायमान रहे, विहंगम योग का संदेश गुंजायमान रहे, अपने कर्तव्य और दायित्व बोध से सदैव जागृत रहे, अधिक से अधिक सत्संग, यही पावन संकल्प होना चाहिए। अपनी कामनाओं को विशेष महत्व ना देकर सामने वाले की उचित कामनाओं को ज्यादा महत्व देना, ये धर्म का लक्षण है। सबको आगे बढ़ने का उचित अवसर मिले, उसकी श्रेष्ठ कामनाओं को विशेष महत्व दें, अपनी कामनाओं को ज्यादा महत्व ना देकर सत्संग अधिक से अधिक हो। नए नए स्थानों पर कैसे सत्संग हो, ऑनलाइन जुड़े हो, ऑफलाइन जुड़े, जैसे जुड़े जुड़ते जाएं, जोड़ते जाएं, दिए से दिया जलाते जाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अभी भी अंधेरा है, जहां अभी भी अंधेरा है। सद्गुरु के पावन चरणों में आज उनकी पावन 134वीं जन्म जयंती पर हम नतमस्तक होते हैं और बारंबार यह संकल्प लेते हैं, स्वरवेद महामंदिर का, पावन मूर्ति निर्माण का, स्वरवेद महाग्रंथ के व्यापक प्रचार प्रसार का, अधिक से अधिक सत्संग का, साधना के अभ्यास का। सेवा सदगुरु हरि भजन अरु सत्संग विचार, सेवा सदगुरु हरि भजन अरु सत्संग विचार, यह संयम नित कीजिए, यह संयम नित कीजिए, तीन सार संसार, तीन सार संसार। इस सार संसार में जैसे ये तीन सार तत्व हैं, कल्याणकारी तत्व हैं, तो जगह है वही दूसरे को जगा सकता है, जो प्रकाश में स्थित है दूसरे को प्रकाशित कर सकता है, जो शांत है दूसरे को शांति का उपदेश दे सकता है, शांत कर सकता है, जो ज्ञान में है वही ज्ञान का प्रकाश फैला सकता है, जो अशांत है वो केवल खुद ही अशांत है, वो दूसरे को अशांत कर देता है, जो अनियंत्रित है वो स्वयं है, वैसे ही परमाणुओं को तो बिखेर रहा है। बंद कमरे में बैठा व्यक्ति अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करता है, विचारों की शक्ति है। तन्मे मरहा शिव संकल्पमस्तु।